तो दोस्तों ये कर्नल साहब हमें शो करवाएंगे हमें उड़ने वाले कबूतरों का भी। ऊपर मैं लोफ दिखाता हूँ और ये हमारे साथ में हैं उस्ताद कय्यूम मिर्ज़ा साहब। तो और हम लोग कर्नल साहब की छत पे हैं। जी जी कर्नल साहब के यहाँ देखें आप ये उड़ान वाले परवाज वाले हैं सारे नर हैं। अच्छा ये सब उड़ रहे हैं माशाल्लाह। हाँ ये सब उड़ने वाले हैं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं ये कलेजा और दिल गुर्दे वाली बात है कि ऐसे कबूतर कोई उड़ाए। ये देखें आप कैसे कैसे ये आप सामने देख रहे हैं ये मादा है सब नर है इसमें सारे। अच्छा ये सब नर है क्या बात है क्या बात है। तो दोस्तों ये देखें आप देवबंदी नर और कितने ज़बरदस्त कबूतर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं कर्नल साहब के यहाँ। कर्नल साहब खजाना है साहब आपके पास और नीचे हैं उन्हीं के बच्चे आप खरे से खरीदने की मसल है। क्या बात है क्या बात है ये मादाएं हैं सारी। वाह 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 वा, उधर आपने सारा नरों का लोफ देखा और ये मादा भी देख लें सारी ये मादाएं हैं। दोस्तों आप लखनऊ के अंदर कर्नल साहब के यहाँ शो कर रहे हैं। चलिए तो दोस्तों कर्नल साहब हमें शो करवाएंगे। कर्नल साहब बताएं देखिए ये हरे कबूतर है ये शाहजहानपुर के जी जहाँ के हरे कबूतर मशहूर हैं। क्या कहने हैं साहब ये वो कबूतर है बहुत बढ़िया साहब। इसकी आंख दिखाता हूँ दोस्तों पुराना कबूतर लग रहा है मुझे बहुत ही कबूतर पुराना है ये बहुत ही बढ़िया साहब माशाल्लाह शाहजहाँपुरी कबूतर दोस्तों आप देख रहे हैं और ये भी माशाल्लाह कद्दावर साइज का कबूतर यहाँ ये दिखाइए। और मज़े की बात ये है कि रजान भाई ये सब अलग अलग नस्लों के हैं कबूतर। क्या बात है। अच्छा शाहजहानपुर तो जगह है जगह लेकिन ये नस्लें अलग अलग हैं उस्तादों की अलग अलग हरों में एक से एक नस्लें हैं जी। इसके ये दिखाएं पर हाथ में एक बार ऐसे पकड़ के पर दिखाएं खोल के अभी कुरीश कर रहे हैं कबूतर ये सब कुरीश में तो करो यार बहुत ही बढ़िया था बहुत उम्दा था। क्या कहने हैं साहब क्या कहने हैं सब कुरीश कर रहे हैं। ये दोस्तों आप सोना देख रहे हैं यहाँ पर मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि जो शौकीन हजरात हैं उन्हीं के पास अब ये नस्लें देखने को मिलती हैं। ये देखें आप शाहजहाँपुरी कबूतर आप देख रहे हैं कर्नल साहब के यहाँ बहुत उम्दा सारे ही माशाल्लाह शौकीन हैं आप तो हर तरीके के नस्लें जो है पुरानी मेरे को सफ़ेदों का कलसरों का देवबंदियों का हरों का इनका मेरे को शौक़ रहा है बहुत शौक है माशाल्लाह। और कबूतर भी हर किस्म का है आपके जाल के अंदर दोस्तों अभी मैं अभी आपको पूरा दिखाऊंगा अंदर से। हेलो ये देखें आप कुछ नहीं लग गया था ये देखें आप हाँ। एक से बढ़कर एक यहाँ कर्नल साहब के यहाँ आपको शौक करने आप को मिल रहे हैं दो महीने की मिल जाएगी बहुत बढ़िया साहब शानदार किस्म का कबूतर जी। ये भी देखिए शाहजहानपुर के वाह 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 क्या कहने हैं इसमें थोड़ी आपको चोच बड़ी मिलेगी। ये चांदी वाले कबूतर चांदी वाले ये अलग अलग जैसा कि शाहजहाँपुर के अंदर भी अलग अलग नीम वाले ये वाले वो वाले अलग वाले, वाले। अभी मैंने जो आपको दिखाए थे उसके अंदर कितनी नस्लें नीम वाले भी थे उसमें डोरे वाला भी था जी जो मैंने आपको दिखाया है जी जी। देखिए जी ये हरे कबूतर जो हैं जी ये बुड़ाने वाले कबूतर हैं बुड़ाने वाले बुड़ाने वाले अच्छा, बुड़ाना जो है बुड़ाना डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में है कमर खुले कबूतर जी। ये कमर पे देखा आप इनके सफ़ेद फूल है वाह 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 ये क्या बात ये जोड़ा है इनका जी जोड़ा ही है ना ये जोड़ा है मादा देखें माशाल्लाह बहुत बढ़िया कबूतर है। दोस्तों आप ये देख सकते हैं इस तरीके के ही कबूतर हैं। चलिए दोस्तों और एक से बढ़ के एक कबूतर हमने यहाँ पर देखे और बहुत ही मज़ा आया होगा उम्मीद करता हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर पसंद नहीं आए तो भाई कोई बात नहीं आप देख जा सकते हैं ये देखिए आप। और ऐसे जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे कि वो हमें इस तरीके के कबूतर जो है रखें और रखने के बाद हमें
ऐसे कबूतर देखने को मिले और हमारी आने वाली नस्लें भी ऐसे कबूतरों को देख सकें। लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, बचाना पड़ेगी इस नस्लों को हमें, क्योंकि जब हम सारे निपटा देंगे तो फिर हमारी आने वाली औलादें क्या देखेंगे, वो सिर्फ कहानियाँ सुनेंगी जैसे अब हम सुन रहे हैं कहानी कि देखें आप। तो एक बार मैं कर्नल साहब से फिर इजाज़त लूँगा। और जी कर्नल साहब, तो आप आए यहाँ पे, ये जी तो देखिए आपका बड़प्पन है। मैं तो पहले भी कह रहा हूँ कि अब कैसे कबूतर जी आप देख के आ गए इधर उधर, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन अरे नहीं नहीं था, माशाल्लाह एक शौक है दाना खिलाने का। जी जी जी, अब अच्छे बुरे जैसे भी हैं। जी जी जी, लोगों को पसंद आ जाते तो हमें भी खुशी हो जाती है। बिल्कुल इंशाल्लाह, ऐसे कबूतर पसंद नहीं आएंगे तो फिर कैसे पसंद आएंगे। कर्नल साहब बहुत ही लाजवाब बेमिसाल किस्म का शौक है माशाल्लाह, और बहुत बेहतरीन। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास दोस्तों वक्त नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई लिखा है कि आपको कबूतर उड़ाने ही उड़ाने हैं। सब कुछ उड़ाता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं, नहीं आप उड़ाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको कंपटीशन उड़ाने हैं या लड़ने हैं, आप अपने शौक से भी उड़ा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो कर्नल साहब एक आप क्या नाम से जो हमारा चैनल है उसको लोग सब्सक्राइब करें और मेरा ये कहना है, तो आप ज़रा क्या कहेंगे जो आप चैनल तो देखते हैं जयपुर टॉक, आपके शौक को जो है जी और आपके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका भी हौसला बढ़े, नए नए कबूतर जी जी अच्छा आप कबूतर आप उन्हें दिखा सको लोगों को। जी जी, लोगों को देखने में देखें, ये तो हौसला अफजाई की बात। आप देखते हैं इस चैनल के ऊपर वीडियो, आपको कैसा लगता है जो भी वो आती है इस पर? जी जी, जो टॉक के और इधर की, क्योंकि आपके जब मेरे को जो आपका शौक जो लगाया था जी जी आपके जयपुर के ही जी उस्तादों ने, फयाज उस्ताद ने लगवा दिया था दोबारा शौक। जी जी जी, मैं उनके पास जहूर अहमद के साथ गया था जी जी, जब कबूतर नहीं पाल रखे थे जी जी, एक जोड़ा पकड़ के उनके यहाँ देख के आ लिया, उन्होंने जबरदस्ती मेरे साथ लाद दिया। अच्छा, बस वहीं से चालू था उस समय नसीराबाद में मेरे के पास। अच्छा अच्छा, नसीराबाद साहब आप लेके जाओगे? मैंने कहा उस्ताद मैं कबूतर नहीं पालता हूँ मैं। जी जी, कहता नहीं कैप्टन साहब आपने मेरा कैप्टन ही पकड़ के देखा था, ये सीनियर जोड़ था, लेके जाइए। क्या बात है, पर जब से ये 98 की बात है, जून जुलाई की जी जी, पर जब से फिर वो जो शौक दोबारा लगा तो बस ये शौक तो ऐसे ही है ना साहब, एक बार लग गया तो फिर जान लेके जाएगा। का शौक का खत्म हो गया था, लग गया सही बात है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये लॉफ्ट नीचे कभी दिखा। चलिए तो दोस्तों मुझे इजाजत दें, यानी कि रिजवान अली साबरी को इजाजत दें।